नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 इंडिया टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां किसान यूनियन द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। आपको बता दें, लगभग 300 से ज्यादा ट्रैक्टर भी दिखाई दिए रैली पर। वहीं रैली का शुभारंभ करबी गल्ला मंडी से होते हुए तहसील व जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर हुआ खत्म। किसानों के कई मुद्दे को लेकर जिला अधिकारी व एसडीएम को दिया गया ज्ञापन। आप देख रहे हैं देवी दयाल के साथ अनिल सिंह की खास रिपोर्ट। ये आ गया।
ट्रैक्टरों का जो काफिला लेके आया है, जिला प्रशासन को आगाह करने आया है कि एक हफ्ते के अंदर इन मांगों पर विचार नहीं हुआ तो जिला कलेक्ट्रेट में 20 अगस्त से जिले का किसान बैठने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये हम बताने जिला प्रशासन को आए। मुख्य रूप से अपने जिले की समस्याओं पे बात करने माननीय डीएम साहब से आए थे, जिसमें अन्ना प्रथा हमारा मुख्य बिंदु है। अन्ना प्रथा के चलते हमारा किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। प्रकृति की बारिश ना होने की वजह से जो किसान के घर में अपना खाद बीज था, जुताई सारी चीजें लगा चुका है, लेकिन ये अन्ना के चलते और प्रकृति के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हैं। तो मैं आज माननीय डीएम साहब से संदर्भ बात करना चाहता हूँ, जहाँ की 19 तारीख को माननीय सीडीओ महोदय से हमारी बात हुई थी, उनने ये कहा था कि हम लास्ट अगस्त तक में पूरे जानवरों को व्यवस्थित कर देंगे, आपकी फसलों को बचाने का हमारा काम। लेकिन भाई मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आज पूरे जिले में गोवंशों की जो समस्याएं हैं, और ये प्रधान ये सचिव जिम्मेदार लोग किसानों का जानवर बता करके और अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। आज मैं डीएम साहब से बात करना चाहता हूं कि संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाए, यदि किसी खेत में किसान के जानवर फसलों का नुकसान होता है तो जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तब जा करके कहीं समस्या का निदान निकल सकता है भाइयों। और जहां की प्रदेश स्तर की समस्या है, एनजीटी कानून का कृषि यंत्रों का हम विरोध करते हैं कि कृषि यंत्रों में किसी भी तरह से जीएसटी न लगाई जाए। बिजली पर आज बिजली का प्रदेश सरकार ने वादा तो किया, लेकिन अभी बिल बस्तूर चल रहे हैं, मीटर लगाए जा रहे हैं, हमारे बिल का किसी भी तरह का कोई निदान अभी तक नहीं मिला है। लो वोल्टेज के चलते किसानों की मोटरें नहीं चल पा रही है, आज किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, मोटरें जल रही हैं, और हमारा जो फेंसिंग हम अन्ना प्रथा के कारण अपनी फसलों को बचा लेते थे, आज प्रदेश सरकार ने फेंसिंग लगाने पर पाबंदी लगा दिया, कानून बनाना है, अर्थ और जुर्माना दोनों दे दिया है, सजा दे दिया है। इसी तरह से ट्रैक्टर हमारा साधन है और ट्रैक्टर ट्राली में कोई बैठ के न जाने पाए, इसका कानून बना दिया गया है। तो हम तमाम इसी चीजों को लेकर के विरोध में आए हुए हैं, लेकिन मुख्यतः सूखा राहत सूखा घोषित करते हुए किसान के कर्जे माफ किया जाए, किसान की लागत पूरी तरह से दे दिया जाए सूखा राहत के नाम पर, और अन्ना प्रथा जहां किसानों ने अपनी फसलें लगा लिया है पूरे जिले में कहीं न कहीं ज्वार चना मटर ज्वार आपका बाजरा धान ऐसी फसलों को जो डाल दिया, इनके बचाने का काम जिला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। आज हमारा अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ बड़ी एवं अहम खबरों के साथ। इसी प्रकार की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, कृपया ध्यान दें, आपके क्षेत्र पहाड़ी में दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल वर्षों पुराना एवं जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल, दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों की जांच एवं सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है करबी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर पीपल के पास पहाड़ी, जहां 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहां सभी प्रकार के मरीजों की खून जांच एवं दवाएं की जाती हैं, जैसे मलेरिया टाइफाइड पोलियो स्नोफीलिया सीबीसी डेंगू खांसी बुखार जुखाम शुगर फाइलेरिया हीमोग्लोबिन आदि, तथा हमारे यहां अन्य मरीजों की जांच एवं दवाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, तथा सीबीसी की जांच मात्र 150 रुपए में की जाती है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल पहाड़ी चित्रकूट, मोबाइल नंबर
8 7 3 9 1 5 4 0 9 9 5 0 8 5 5 9 5 0 7 1 2 6। धन्यवाद। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथ लैब। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है। आप अपने निवास स्थान पर हैं, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून, मलमूत्र, वीर्य, बलगम, हार्मोन्स एवं कल्चर की जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है। आप अपने निवास स्थान पर हैं। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल।